यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 11 नवंबर है, नेशनल एजुकेशन डे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, इसे हम नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन, 11 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई थी। वे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल उन्हें वो सभी शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर 25 साल में मिला करती थी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। 1920 में रांची में जेल की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्र भारत के वो पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना का श्रेय भी उनको जाता है। मौलाना आज़ाद को ही उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए बहुत से उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी इत्यादि। केंद्र सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यवस्थित प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। थैंक यू। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।